बट आई ऑल्सो साथ फ्रेंज साइको रिसर्चर आई इन कंडक्टिंग रिसर्च इन दैट और अब आगे भी चल रहा फ्यूमर प्रोजेक्ट अपनी इंटरेस्टिंग फरेंसिकाइकोलॉजी लेक्सप्लैंड करेंगे वॉज आई मीन सो फ्रेंजिक साइकलॉजी का मतलब है कि बिहेवियर साइंस रिसर्च की एप्लीकेशन किसी भी ऐसे एरिया में जो कि आपकी जुडिश्री पुलिसिंग प्रेजेंस इन सिस्टम्स को हेल्प करती हो फ्रेंसिक साइकोलॉजी की डेफिनेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा तिरदिर लॉरफ Arguments over it, but basically anything that helps the courts, right, right. So that's forensic psychology. Right. So that's my area of interest. I've been reading on it for a very long time, or um, recently I've started and I think there's a show on Netflix as well, which a FBI yes ah, absolutely. so that's cool. sort of what, it, sort so of very look, good what you're doing right uh, i wish it was oh. that cool <laughs> but, but it's there's there's a lot more uh there's a lot more numbers something but the direction like. is the same so afraid yeah. right? right 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 so uh, that's basically the work i do jo therapy mein kaam i deal with a lot of trauma So uh, pretty much any sort of trauma big tree trauma traumas things like sexual assault if you if you've lost uh, your house, natural disasters, I see big T traumas. Right. And then there's small T traumas, so I deal with all sort of stuff like that. So, that's a little bit, a brief bit about my background. Mm-hmm. Ali, you know, there's been a particular incident last Friday. Mm and that's one of the reasons why like I, you know, Hamara already said, a but I was really looking forward to this conversation. Because when I the incident this the motorway rape case,

पहला दिन जो था अगेन बड़ा यूनानमस था अगले दिन मैंने देखा कि यू नो स्ट सडनली कॉन्वर्जेशन स्टार्ट पॉपिंग आप सॉ के जब सारे लोग उस तरफ निकल गए तो मुझे था कि अब कोई 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 जवाब नहीं बनता किसी का दरमियान में वो अटैकिंग मोड में आने का और उस तरह से लाइक लेकिन वेरी फोकस्ड ऑन के भाई यू नो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट ने फेल किया है um, पंजाब के ऊपर लोग काफ़ी बात कर रहे थे

Um, I don't see how there is how the classification of that incident with particular type of people is warranted like in my counter conversation on again, then again the internet started becoming garbage again mm. and an issue at hand side or name calling um yeah. you know so so I'm trying to understand like what happened with this shift, okay, so there's a lot to unpack there yeah. right? <laughs> so uh, i think starting off agar uh, hum uski baat kare you know how you said ke saturday ko maine dekha ke death penalty pe upar kafi conversation hona shuru ho right So, you know like you said mercy kill so conversation bahut important uh, thi इट्स ऑलमोस्ट लाइक जो लोग डेथ पेनल्टी के साथ हैं और जो लोग डेथ पेनल्टी के खिलाफ हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हैं हाँ हाँ that's, right? that's exactly what, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ yeah. ये लगी कॉन्वर्जेशन में मसला नहीं है यू नो बट एंड वो एक दूसरे के खिलाफ हैं और uh, मतलब आई सॉ सम पीपल वॉज फार सेंग हैंग द पीपल हु डोंट वॉन्ट टू हैंग द रेपस्ट या राइट आई मीन आई एम श्योर यू सॉ दैट टू एब्सोल्युटली ये भी काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा था मेरे लिए हाँ. Ah. तो ये चीज़ बहुत चाह दोनों लोग सेम चीज रहे हैं क्या हाँ। चाह रहे हैं जस्टिस राइट अब जस्टिस हाउ टू गेट दैट जस्टिस उसका तरीका दोनों के लिए बहुत डिफरेंट है हाँ। लेकिन चाह दोनों लोग यही रहे हैं लेकिन उसके अंदर भी जब आप इतना कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी बिकॉज वी ऑल वॉन्ट द सेम थिंग आई मीन मोस्ट ऑफ आस होप फुली तो um, मैं डेथ पेनल्टी के ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा और वट माई बी यूर्स कि मेरे ख्याल से विद दिस कॉन्वर्जेशन वेंट लिटल इन द रोंग डरेक्शन आई थिंक के Uh, जब आप डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं कि यू नो डेथ पेनल्टी जो है आई एम ऑल्सो नॉट इन सपोर्ट ऑफ द देनल्टी एक्सप्लेन बट जब आप अपनी ऐसी कोई भी का पेनी पॉइंट लाइक दो सर आप उसको इस तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगले इंसान की पेन या अगले इंसान के एंगर या फिर उनके सेंस ऑफ जस्टिस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर मसला होगा राइट राइट सो ओ यू आर नॉट बीइंग प्रैक्टिकल दैट डजेंट वर्क फैक्टर्स के uh, हम लोग वो चीज़ नहीं समझ सकते जो कि एक uh, जो कि एक ऐसे इंसान के एक्सपीरियंस होता है जो कि खुद सेक्शुअल असल्ट से गुजर चुका हो राइट एंगर द फ्रस्ट्रेशन द रेज आई सी माइ राइट एंड आई आई वर्क विद डैट और मैं देख चुका हूँ कि उन, उनकी जिंदगी किस तरह डिस्टर्ब होती है मैंने एक बहुत पेनफुल uh, चीज़ देखी थी अबाउट This, I think it was the same case where the woman said to, to the ambulance uh just kill me and don't tell anyone. Did you see yeah, that? Yeah, yeah, I saw that as well. I don't like, know how accurate that is. But, but I can sort of imagine, imagine it happening. That, imagine Absolutely. It happening. Absolutely. Absolutely. Because she also said, you know, don't report it. Key, you know, don't tell anyone and don't report it. And uh, you yeah. or, or sort of raha tha what was going on in her mind right now. इस मुल्क के अंदर जनरली लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर एक इंसान को पता चलता है कि वोन रेप्ड उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता सपोर्ट की बहुत कमियाँ राइट नो मैंने जितनी कहानियाँ सुनियाँ के एक लड़की का आ, उसके साथ सेक्शुल असोल्ट हुआ है रेप हुआ है एनी फॉर्म ऑफ सेक्शुलट और वो कम्फर्टेबल नहीं फील करी को अपनी फैमिली को बता पाए uh. मतलब आपके जो मेन सपोर्ट सिस्टम आइडियली होना चाहिए आप उधर भी नहीं बता पाते मेरी अम्मी क्या सोचेंगी मेरे अबू क्या सोचेंगे क्या रीजंस थे व्हाट विल दे थिंक ऑफ मी और मैंने ना एक्चुअली बिकॉज मैंने जब हमने पॉडकास्ट करना था ना बहुत ज़्यादा रिसर्च लिटरेचर वगैरह पढ़ा था both scary statistic देखा. I found it scary or 2015 study 60 percent of people out, out of everyone rape report were unable to identify that they were raped Achha. yeah and that's a scary statistic now imagine for a so, second so, yeah. so they don't understand the definition of rape so it's 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 far more tricky than that um हमारे कल्चर के अंदर और इन मोस्ट कल्चर्स एक्चुअली अपन टल वेरी रिसेंटली क्या मिथ है कि यू गेट रेप्ड इट्स योर फॉल्ट अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ मिथ जो कि बहुत पर्पट्रेट होती है सिक्सटी सेवेंटीज़ में फेमनिस्थी आई वर्ल्ड के डेवलप्ड एरियाज़ में नॉर्थ अमेरिका एरियाज लाइक दैट वहाँ पर काफ़ी चेंज आया बट वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल स्टिल Uh, would believe here. Do you think there was a there was a shift because of I mean because I read some posts on social media as well where people said you know look Ziaullah gave these extreme you know sort of punishments and yeah. report but we also saw time ke andar jo na laws and you know four witnesses and whatnot yeah, ki, ki mean, do you think that played a huge part also in in in, in how we approached these sort of yeah. crimes yeah I mean. uh I, I think without a doubt, the fact that if you're report ke liye, or to prove it, you need four witnesses, chanye, where are you gonna bring four witnesses from? Yeah. If you're being, um, and you know, if, if, if an incident like this, for example, if this happened in those days, what you do? you And eventually because you, because the responsibility is on you so yeah, much. Exactly. That you are going to eventually come back to that conversation that, oh, you know, you should have protected yourself because the alternate is so scary. Yeah. And you know, going back to your question, man, escape two thoughts in my mind. You said that 60% of people might not even be able to identify that they were raped. Yeah. You are the myths kafi internalized. it was my fault. Main dekh chuka hon, if someone even knows that they've been raped and they think it's their fault. Okay. I've seen that far too much to be comfortable with the idea. So it happens, go ahead. I mean, what's the thought process there? The thought process is, for example, maybe, maybe, maine kuch aisa kaha, maine kuch aisa kiya, invitation Right. Even if baadwa maine consent right. thi, maine verbally bola, you know, I said no. Right, so sort of yeah, hai ke, you know, maybe at the end of the day, what a da janwar, mujhe apne protect karna tha from this janwar. and this, i think this is one of those myths. Jo ke largely, log internalize internalized and it causes them a lot of pain. and then therapy can there, when you're starting off, you help them identify, you know, abhisat trauma, kya huwa, it wasn't your fault, and whatnot. and that's not easy. Hmm. and those three cases, jo, meri da that if you have 100% reported cases, huh? Unmissed, uh, only uh, forty percent are, who can identify, that they've been raped. And mm. we're reporting the mm. That's what makes the statistic very scary. Right. You know what I mean? Yeah. And, साथ साथ uh, So effectively, you're saying that our reporting is wrong. Our reporting definitely it's, And it's not just sexual violence. It's also uh, things like suicide. You know, other things that are criminalized and whatnot. But. Um, one other thing that I just want to add is that a myth that is being created is that people say, "If she was raped three years ago, or if he was raped four years ago, why didn't they come forward then?" Or in a particular "me too" type, it's very common that you know, "Me too, why is it coming six years six year from now?" Why didn't he say Yeah, so I, 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 I think I have a research-backed answer to that. And that is, when you are going through a very severe trauma, your body is a fight or flight सो टू मेक थिंग्स सिंपल लेट्स से कि आपके ब्रेन के अंदर एक फियर सर्क्यटरी है ठीक है जब आप एक फाइट और फ्लाइट या एक बहुत रोमांटिक एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो फियर सर्किटरी टेक्स ओवर और जो फियर सर्किटरी टेक ओवर करती है तो आपकी मेमोरी शिफ्ट हो जाती है अपनी सेंसरी अपनी सेंसेस को पिकअप करने की तरफ मतलब सेंसरी मेमोरी इंक्रीज हो जाती है सिक्वेंशल मेमोरी कम हो जाती है एंड दैट वैट इज यू हैव अ वेरी हार्ड टाइम रिकॉलिंग क्या चीज़ कब हुई थी कैसे हुई थी बट यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ इट फेल्ट right. and then that's something you see in people who have experienced that sort of trauma. Right. you know, if there's a trigger, similar your sensory response, yoga, it'll go straight back into that trauma response. right. yeah. so i think that is a solid answer based on research. and it's not mine. there are researchers who um, have have cracked this. Right. but i think that's a very solid answer to people who ask, yeah, why didn't they come forward earlier? Right. first of all, you know, you're also just.

सो आई मीन आई अंडरस्टैंड वाई वो तो ये है कि जाहिर है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मीटू आ रहा है या कुछ और हो रहा है तो दैट्स प्राइमरली हैपनिंग बिकॉज अब उनको ये लग रहा है आई स्टिल बिलीव के वेर नॉट देयर याट टू बी ऑनस्ट बट उनको ये लग रहा है कि शायद सोसाइटी अब हमें एक्सेप्ट करने लगीट्स वाई देयर कमिंग आउट बट अगेन वेलकम बैक टू माई ऑरिजिनल क्वेश्चन राइट सोसाइटी इवॉल्व कर रही है और फिर सोसाइटी इवोल्व नहीं कर रही है और फिर आखिर में यही हो रहा है कि देर आर लाइक दिस टू वेरी पॉलराइज Um, you know, opposite groups who are fighting each other for one narrative or the other, and there is mm. total politicization. And there is another aspect to it that I'd like to add, or rather, get your opinion on. Mm. Um, I see the entire sexual. I mean, I know sexual harassment, sexual assault, mm. her class may exist. Karte. But if we talk about reporting, mm. okay? So, what I was just going through. Uh, I took the last year, लोकेशन के हिसाब से देखा देखा कि कौन लोग इन्वॉल्व थे सारा कुछ था मैंने देखा कि खासकर जो हमारी लोअर मिड लोअर क्लास है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये प्रेवलेंट है ओके okay. प्रॉब्लम बाकी क्लासेस में भी होगी बट सम हाउ जो रिपोर्टिंग हाँ रिपोर्टिंग, हा, रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है या जो न्यूज़ पीसेस की बेसिस की जो डेटा मेरे पास आ रहा है वो मैं उसको देख रहा हूँ अच्छा लोग जो जो सोसाइटी ज़्यादा शो डाल रही है वो उसी पर डाल रही है देर नॉट रियली लाइक ये नहीं हो रहा है किसी दोस्त के साथ हो रहा है और वो उसके ऊपर आकर अफेक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सारा कुछ करें और न्यूज़ न्यूज़ आइटम के ऊपर करें अच्छा उस मुझे ये लगा कि वॉट डिस्कनेक्ट है बिटवीन वेयर दिस इज़ हैपनिंग एंड वॉट वे आर डूंग अबाउट इट सो एज एन एग्जाम्पल ओके इंसिडेंट होता है पर पर्पट्रेटर्स जो हैं वो लोअर क्लास से आते हैं या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं हम अपने सारी डिसीजन मेकिंग जो है वो टेलर करते हैं टूअर्ड्स आवर क्लास सो हम कहते हैं कि यू नो हाउ डू वी नीड टू यू नो चेंज द वे दर वी डू स्कूलिंग फॉर एग्जाम्पल इन आर प्राइवेट स्कूल्स हाउ डू वी रेज आर चिल्ड्रन हाउ वी डू वी डू दैट दैट्स फाइन बट दैन जिस इंसिडेंट का काउंटर हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक डिफरेंट क्लास में है सो आई फील लाइक कि जो ऑफ ऑफ दीज दीज दैट हैपन And a lot of times, they were trying to find out solutions for these problems. They're mm -hmm. very sort of tone deaf, in mm -hmm. a way that they're defined by emotions okay. more than data on ground or more than you know. You have a a situation. analyze it, then how do I stop it? So, for example, I blue area, I go and banners du, sexual, uh, mm -hmm. ke against sexual violence. But to be very honest, I know for a fact that you know, in some territory the incident perpe perpetrator is. ना वो वो बैनर पढ़ रहा है ना उसको वो लैंग्वेज समझ आ रही है प्रॉब्ली वो कभी स्कूल नहीं गया वो जिस तक जिस यू नो you know, सोशल क्लास में बिलोंग करता है वो उसके भूख के और दस हज़ार मसले हैं और उसी के अंदर फिर जस्टिस सिस्टम इतना वीक है कि उसको ऑनेस्टली नहीं लगता मैं वाकई देखता हूँ मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो सेक्शुअल वायलेंस के केसेस हैं जो लोग इनको कर रहे हैं उनको वाकई नहीं लगता कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कि इसके ऊपर तो कोई बिग डील होगी ओके that's my understanding it's a very right. layman very uneducated but i'd like your opinion on this so once again all i can give on this is an opinion because i don't i'm not aware of the statistics on right. this Because in pakistan mean, with when it comes to forensic psychology psychiatry or just statistics like these waisi bahut kam right abuse uh, i don't know if that's true for here or not what I'm thinking though is if lower class other report horror. wouldn't you imagine that uh, the upper class people who are a little more well connected socially? It's much easier for them to get away with crime as well uh, Yes, that's true, <laughs> you know. And they're also able to control the news narrative as well. They are. I mean, narrative yeah. has a lot to do with it, right? You can yeah. intimidate many people into letting you off the hook for any sort of crime that you do, yeah, depending yeah. on your position socially in the culture that we live in. Yeah. So, um, and just we had the whole Jami situation happen last year as well. Which situation? Jami, Sorry. If you followed that, I don't remember. Could you refresh my memory? Okay, so Jamie basically came out last year, and he said that back in early 2000s, uh, the guy who owns the Dawn Network. Oh right, right, right. Yeah. 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 yeah, yeah. 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 And and then we saw that how everybody brushed it under the carpet. Yeah, you know all these people, all these people who are very who who who've genuinely fight for these causes yeah. as well, but they were able to brush it under, under the carpet because. the Jo power element is very strong Wait, they get to spin the narrative, right? Yeah, yeah, I yeah. understand. Yeah, and uh, I think jumping from that to currently the sort of narrative. दैट इज प्रजेंट जिस जिसको बहुत यू नो इन दिस लीड्स टू योर सेकंड क्वेश्चन पहले तो हम डेथ पेल्टी की बात कर रहे थे द सेकेंड क्वेश्चन के लोग एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे हैं दे हेट ईच अदर इधर ईच अदर इस इशू पर तो हमें इधर या उधर होना ही नहीं चाहिए यू नो आई स्पीकिंग टू फ्रेंड यस्टरडे और उसने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही सेट के टू हिम Okay, in order for us to get a lot of men active hmm. against sexual violence or for women rights and whatnot, you have to get them to give up comfort. Okay. So, Right. Right? It's a good question. Hmm. How do we incentivize men getting more active with women's rights, preventing sexual assault and whatnot? In many developed areas, दे देव दिस थिंग बाई स्टैंडर्ड अप्रोच बाई स्टैंडर्ड अप्रोच एक ऐसी चीज़ है जो कि कॉलेज और प्राइवेट स्कूल्स वगैरह मतलब एरियाज लाइक दैट वहाँ पर ज्यादा यूज़ होती है समथिंग दैट आई थिंक रियली नीड ऑन पॉलिसी लेवल हेयर इज वेल वो ये है कि आप जनरल पब्लिक को ट्रेनिंग देते हैं कि उनको उनके पास लिंग्विस्टिक स्किल्स आ जाएँ उनके पास प्रॉपर स्किल्स आ जाएँ कि अगर उनको ऐसी कोई भी सिचुएशन नज़र आती है जो कि इन हो और इट्स एनी थिंग मूविंग स्लाइटली टू वर्ड्स एक्चुलो सॉट तो उन्होंने एक एज अ बाई स्टैंडर्ड आपने इंटरफियर कैसे करना और उस चीज़ को इंटरप्ट कैसे करना हाँ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई रिमेंबर दिस इज़ लास्ट ईयर मैं अपने दोस्त के अपार्टमेंट में था रात के साढ़े तीन बज रहे थे सब इज गोइंग होम मैं उतर रहा तो एक uh, लड़की जो है वो चलती हुई जा रही थी यू नो एंड आई मीन रात के साढ़े तीन ई uh, एलेवन का इलाक़ा यू नो वेरी सॉर्ट ऑफ डार्क uh, एंड उस तरह सा वो है और उधर उसके पीछे एक लड़का है और उसको बैग से पकड़ के ड्रैग कर रहा है ओ माय गॉड ठीक है वो oh मैं स्क्रीम है। अच्छा आई वेंट इन इमीजिएटली मैंने पहले अपने दोस्त को कॉल किया ऊपर mm. मेरे तीन चार दोस्त थे और मैंने उनको कॉल किया मैंने कहा यार नीचे पहुँचो फ़ौर यू mm. नो you know, ये सीन हो रहा है और अच्छा मैं उसकी तरफ गया और मैंने जाकर उसको बोला मैंने लड़की को बोला मैंने कहा यू ओके और उसने कहा यस 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 आई एम फाइन Uh, एकदम से लड़के ने लड़के ने बोला कि यार uh, आप हमारे उस मामला पर्सनल मामला में दखल ना दें पहले तो मुझे ये समझ नहीं आई कि क्या सिचुएशन है मुझे थोड़ा सा एनालाइज करके ये समझ आ गया कि mm. दो दोस्त हैं या अ फाइट शी सेड आई वायलेंट ठीक है yeah. उनका दरमियान में कोई प्रॉब्लम हुआ है शी जस्ट लीव

Mm. तो मैं अकेला आऊंगा मुझे पीट देंगे बिल्कुल मैंने क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है ऑन टॉप ऑफ़ दैट गैस लाइट हुई भी है यू नो mm. mm. no, really right? right, uh, you know, इस वक्त उसने उसको इतना ज्यादा वो किया हुआ कि उसको ये डर है कि वो उसके साथ ही कुछ ज्यादा बुरा mm. ना करे मेरी वजह से सिचुएशन इट्स एन इंटरनल सिचुएशन एंड एंड आई फेल्ड आई जेन्यूवनली फेल आई उस पॉइंट के ऊपर कि हमने बड़ी ऊपरी ऊपरी कॉन्वर्जेस की हुई और हमने बड़ी ऊपरी ऊपर स्ट्रक्चर बनाए में बट इन स्ट्रक्चर्स के लिए हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव जो आपने वो वाली बात बहुत अच्छी बात बोली कि बाई स्टैंडर्स को ये तो सिखाओ कि हाँ रिएक्ट किस तरह करने एक्जैक्टली एक्जैक्टली और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू नो मैं मेरी एक सिमिलर पोजिशन रह चुकी है उससे और इस सिचुएशन में जब पुलिस आई तो बेसिकलीज़ फाइटिंग विद एन एल्डर इन द फैमिली और पुलिस ने कहा कि भरोसा से तो आपको यू नहीं बात करनी चाहिए मतलब ये तो yeah. मल्हे की किसी भी आंटी अंकल को उठा लेता उन्होंने भी यही बात करनी थी पुलिस yeah. अगर आपको नजर आ रही है सीसी पी ओ के साथ देखा मोरलिटी एंड पुलिसिंग आपके लिए एक राइट एंड रॉन्ग होना चाहिए स्टेट की पॉलिसी लॉफुल एंड अनलॉफुल या लॉफुल एंड अनलॉफुल राइट आप दरमियान में अगर आप रियल टाइम पे डिसाइड करेंगे कि यार आई फील लाइक दिस इज क्रिमिनल और आई फील लाइक यू नो ये ठीक था देन इट्स अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया एंड ग्रे एरिया में हमें पता है क्या होगा कि यू आर गोना लेट गो ऑफ एवरी एनी एंड एवरीथिंग थ्रू वन एस्पेक्ट और द अदर एंड देन आल्सो जस्टिफाइंग इट बाय यू नो मुझे तो जस्ट तो मतलब यू नो पीपल सॉ उसने बहुत जस्टिफिकेशंस दी वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आई सी एम जस्टिफाइंग इज के Main toh sidi-sidi baat karta hun, <laughs> Right? And that's something a lot of people do. This, this is something that I very commonly see that, oh, you know, I'm, I'm not rude. I'm just honest. <laughs> and yeh toh hum personal interaction agar aapki sidi baat ghalat hai, to aapki sidi baat bhi exactly, hai. Like, exactly. how is that like uh, a... <laughs> without a doubt, without a doubt. But, wait, th this guy had no justification for any of the things that he was doing. And just the justification ka, aapko sidi tara karta <laughs> Like What does that have anything to do with your work yeah. and uh, no one's asked you to say anything just do your yeah. job yeah, yeah, you know yeah, yeah. but of course uh, it's that that's a very very tricky situation i would like to briefly talk about the death penalty though right okay so death penalty ke a lot of um controversy ho rahi hai zyada, uh, debates ho I or just death penalty jo hai uske upar bahut zyada log yun bhi the, log death penalty ko support nahi I'll tell you a very interesting number. Eighty-eight percent of scientists believe that the death penalty does not work as a good deterrence. Eighty eight percent. Okay. That's approximately the same as the scientists who believe in climate change. Okay. Right. Yeah, that's 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 a big number, Tika? Right? Yeah.

Uh, कितने लोगों को हमने कितना अर्थात जेल में रखा उसके बाद वो सोसाइटी में गए उन्होंने क्या किया वगैरह वगैरह hmm. वगैरह कितना ये इनमें से कितना डेटा बैक्ड है बाय द साइकोलॉजी ऑफ एक्चुअल क्रिमिनल्स इन द ईस्ट ओके और कितना है बाय पीपल इन लेट्स से इन कंट्रीज एंड दूसरा मेरा सवाल इसमें ये आता है कि जब हम बात करते हैं कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए तो ऑबियसली डिटेरेंस के हम दूसरे तरीके डिस्कवर करते हैं और उसमें ख़ास कर जो आती है एक भी, एक चीज़ वो होती है यू um, नो you know, एक ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि आपको रिकवरी की तरफ लेकर आए राइट ले कर आए yeah. <laughs> right? yeah, uh, और yeah. और उसमें जब हम कहते हैं कि यू नो एक ऐसा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो कि आपको बेहतर इंडिविजुअल बनाए एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट वेरी वेरी लाइक हाई एंड क्राइम्स लाइक यू नो रेप एंड मर्डर बट अदर चोरी एंड वो सारा का सारा तो रिफॉर्मेटिव जो बेसिकली है ना उसमें आपको ऑब्वियसली रिसोर्स चाहिए कि आपकी सोसाइटी में आपकी सोसाइटी अभी उतनी ना एजुकेटेड है mm -hmm. ना आपकी सोसाइटी उतनी ज़्यादा जैसे कहते हैं कि एडवांस्ड है इन इन द मोस्ट सिंपलेस्ट वे और ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से द अमाउंट ऑफ पीपल हु एंड ऑफ डूइंग आर अनलॉफुल देन बिकम्स अ वेरी वेरी लार्ज for a country like pakistan which is a developing country do you think we have enough resources to have a reformative criminal justice system mm. and if we don't have that and we can't have that then should the conversation like i feel like so i, I feel like ke hamari jo conversation hai to uh, uh, for and against death penalty or other uh, uh, you know uh, decisions kya hona hai, is cheez pe based hai गोरे का क्या स्टाइल है राइट right. और उसके क्या वेरिएबल्स हैं और उसके क्या नुआंज हैं वो हमारी रियलिटीज़ पे बेस्ड नहीं है दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग सो ना यू ना यू गो सो मैं तो ना ईस्ट और वेस्ट तो फिर भी बहुत बढ़िया डिफ्रेंसिएशन आई थिंक ग्राउंड सिचुएशन वुड बी डिफरेंट इन फैसलाबाद इन कराची राइट 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 इसका जो मेन जवाब है वो यही है कि वी नीड रिसर्च एंड रिसर्च 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 एंड एंड वी नीड सो मच right now, the best thing that we can see, death penalty, paas numbers at hand, understand does come from uh, a lot of research done in, uh, you know, like you said, nordic, nordic regions, north america, uh, western europe. Uh, but it's still very strong scientific evidence. i'll tell you, i'll, I'll give you one very, very big reason. and, and i don't want to discount that. yeah, what i want to do is, i want to say, okay, that this is interesting. it does make sense can we use that hypothesis yeah. and sort of research in pakistan okay what's going on. we can i mean uh, that's exactly what we're supposed to be doing like and once again forensic can the researchers there's the uh, so first of all bhi institution cap forensic psychology ke, leg legitimate program karwaro. criminology. Ke kuch hai, uh, i don't know about that that's a slightly different field from quite a different field from forensic psychology uh, right now one of the biggest problems that prisons are facing is overcrowding I, I think my total capacity last I checked prison ski is around forty six, forty-seven thousand. We're right now we're around eighty-eight thousand. Okay. So we're almost twice. This, this is fascinating. Yeah. You know I mean, and the amount of people I know who are not in prison. <laughs> yeah. Yeah. <laughs> <laughs> so and you know, we're almost at twice the capacity or or upity uh. capacity criminal the rapist in Se cases were with ah. sexual violence ke hi the, They were afraid ah. and they still, still weren't in prison, right? right? Or if the second that when are removing the prison system, se rahe ho, what actions are you taking to make sure that they're able to become functioning members of society again? Right. Uh, there's one thing, and this is slightly controversial, okay? But uh, there's one thing I always talk about. You also need to start working towards rehabilitating sexual offenders when they come out of prison, and I'll tell you why. And a question I get is that I am working with them. I am with them who have done it. I am with them. But the the larger question is that by doing this, what you can guarantee is that there are less victims. Right. A concept called recidivism, which means that how likely is it that a person will come out of prison and re-offend? in some people have done If you have प्रॉपर पॉलिसीज इन प्लेस नहीं है रेसेटिविज्म को हैंडल करने के लिए तो बार बार पीपल विल जस्ट कीप कमटिंग क्राइम्स अगैन क्योंकि हाउ डज द प्रेजेंट सिस्टम वर्क इज वेल के यू नो यू योर चांसिस फॉर कमिंग आउट ऑफ प्रेजेंट फॉर इवन समू शॉर्प लिफ्ट आपने चोरी की है ठीक है मुश्किल है कि आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी दैट मेक्स अ डिफिकल्ट फॉर यू टू री स्टाबलिशर सेल्फ इन सोसाइटी और एक बहुत अच्छा आर्टिकल अच्छा है अच्छा अच्छा

तो यू नो वो आई टेक योर पॉइंट कि क्या हमारे पास ऐसी रिसोर्स हैं कि अगर uh, हम डेथ पेनल्टी नहीं दे रहे तो हम और किस तरीके से इस चीज़ को एक्ट आउट करें आई विश आई हैड द आंसर टू दैट आई रियली डोंट कि इफ वी आर नॉट गिविंग द डेथ पेनल्टी वर वी डोइंग? बट आई एम नॉट इन एनी पोजिशन टू से वट कैन बी डन वट आई कैन डू इन माई ओन राइट एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ प्रैक्टिशनर मेरी कोशिश है कि मैं जितना रिसर्च करूँ पॉलिसी की डायरेक्शन में जितना मैं एविडेंस दे सकूं पॉलिसी को यू you नो know, हम इस चीज को टेस्ट करें कि डेथ पेनल्टी का इम्पैक्ट पाकिस्तान के अंदर क्या है, क्या है? Uh, हम हम ताकि you know, वो सेक्शुअली रीअेंड ना करे बिकॉज वो भी जरूरी है you know, यू मैं मैं, वो तो मैं एक मैं कह रहा था कि पेनल्टी के बारे में जो कॉन्वर्जेशन थी मुझे वो सही नहीं लगी बट मैं डेथ पेनल्टी को At this point in time, na, you knee jerk reaction, hai, you know, hang them, hang them, hang them publicly, I disagree with because I feel like out of a hundred offenders, actually, no, out of thousands of offenders, mm -hmm. one will make the news. Okay, yeah. Okay? Yeah. And now you're jumping up and down asking for that particular case to be done in a speedy way and to ensure that that person is hanged out in the streets. जब तक हम ये मेक श्योर sure नहीं करेंगे कि सौ में से सौ केसेज एक्चुअली यू नो गोइंग थ्रू द प्रोसेस आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस अगर निन्यानवे बंदा बाहर फिर रहा है तो उसे एक बंदे को फांसी yeah. पे चढ़ा के क्या फ़ायदा हुआ आपको राइट yeah. एंड right? ये मसला सिर्फ और सिर्फ रेप में नहीं है ये तो आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है विदाउट राइट right? yeah, yeah. आपकी जो प्रोसिक्यूशन है उनको इनफ नॉलेज नहीं है वो बस यू you नो know, एक प्रोसेस बस चलाई जा रहे हैं Hmm. बंदा पकड़ो जो उनमें से इतना वसूफ वाला है तो उसको वैसे निकाल दो जो पैसे दे देगा दे फिर उसको निकाल दो जो बाकी बचे वो सड़ते रहेंगे टिल द टाइम के कोई उसको अच्छा लॉयर मिल जाए और वो कोर्ट्स में जाके उसको निकाल बिल्कुल सो एंड एनी कॉन्वर्जेशन ऑन दैट नो बडी रीली एंड होता क्या है लॉयर्स yeah. का क्या सीन है यार yeah, मेरे मैं लिटरेली लोगों को जानता हूँ जो कि जिनका मुझे पता था कि कि ये जो है ना ये अभी उसमें ड्रग्स वगैरह केस में ये गया अंदर और लेजर्ड केस था ठीक है और कोई तरीका ही नहीं था कि वो बाहर आ सकता था ठीक है और बाहर आ गया बाहर आ गया यू नो दो दो तीन हफ्ते रहा बाहर आ गया और बस वो ये था कि अच्छा जी वो पुलिस वालों ने कहा हम नजर रखेंगे आपके ऊपर कोई नजर नहीं रखा बट थियोरेटिकली जो लॉ था ना उसके तहत नॉन अवेलेबल ऑफेंस है mm. ठीक है ऑफ okay. ड्रग्स से ज्यादा बट वो आ जाता है और ये कोई बड़ा वसूफ वाला बंदा नहीं है mm. ये कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके बहुत कॉन्टैक्ट थे या बहुत ज्यादा वो वेल well कनेक्टेड था एवरेज एवरेज आपका बंदा है यू नो पाकिस्तान का तो जब तक कि आपका वो जस्टिस सिस्टम और जस्टिस सिस्टम का अनफॉर्चुनेटली होता है कि वो है क्या कि Hang them in public is easier. It's easier for them. It's for easier. The citizens, yeah, because they they get to say, oh, we did something. Yeah. To actually reform the entire justice justice system means a lot of technocrats sitting together, coming yeah. up with the right policies, getting all the MNAs to sit together, pass it in National Assembly, then in Senate, then implementing it, then training everyone. But that's the solution. I, I think yeah I I agree with you ke, I, I think if you were to hang someone publicly, mm. you know what it's similar to it's similar to the PUBG incident, right? Ke, okay someone uh, PUBG was somehow involved in this this kid died by suicide or then what did they say? They ban PUBG. So cause PUBG hai? Mm. It's not. बट आप क्या कह रहे हैं कि सुसाइड का एक ही कॉज है वो पबजी आप उसको बैन कर रहे हैं वी डन समथिंग इट्स अ वेरी लेजी वे ऑफ सेंगे बट एट द सेम टाइम मतलब पीपल जो कि ये भी कह रहे हैं कि यू शूड हैंंग दम बिकॉज आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ दम अट ऑफ दम उनकी आउटरीच एक ऐसी जगह से आ रही है बट मे बम ऑफ दम थ्रू सम थमिलर और एज एज फार एज एन इंडिविजुअल गोज आप दर इज नो अदर फॉर्म ऑफ जस्टिस दैट यू कैन इमेजिन इन दैट मोमेंट इन टाइम the anger is too powerful you know hmm. i do feel like there is a people are saying it's very barbaric you know to to hang someone in public and i understand the world that we've sort of created now where the concept of human rights and what oh, a fark ho gaya, 20 years before se jisme aap public recorde marte for example mm. imagery but different countries different mm. societies ke sath connect ho gayi hai kya aap society

Mm. Is is very prevalent. Bilkul, mm -hmm. right. So I feel like uh, you know why is the conversation either just hang and no hang or public hanging or no public hanging? Why aren't we exploring areas where we can sort of show the public, the mass market public, of what can happen if you do something wrong, by proxy of somehow shaming them. One way or the other, like normally, I I, I guess bahar jo hai wo media circus itna strong hota people are just like oh my god I'm not gonna do this. Um, but Pakistan may, you know you, everybody doesn't have a TV, mm. particularly that class does not. It's not that connected to the information cycle. So what do you think about that? I mean, uh, look at the CCPo. He was shamed so much. What is the outcome yeah. of that? <laughs> I mean, he's not a criminal, but you yeah. take my point, right? Yeah. so uh, I, I don't know if shaming like that is gonna work or not i I I mean I don't know I feel like the eh, mm -hmm. game uh, I, I feel like people take it as very black and white and I also saw like like you said I also saw people said khud wo story dali thi, you know C C P O like what the hell like what yeah. are you yeah. saying yeah comments hang him as well ah, that's that's <laughs> uh, oh wow okay you know like you could yeah. hang him with the rapist इंटेंसिटी ऑफ क्राइम या डेफिनेटली ठीक है सेकेंडली जो पब्लिक आउटरीच था ना उसने बहुत कुछ दिखाया mm. उसने क्या दिखाया आई जी पंजाब कैटेगोरिकली पोट कमिंग आउट इन सेंग दिस इज नॉट वट पुलिस स्टैंड फॉर एंड कैटेगोरिकली पोटिंग पुलिस का काम यह है मॉरल पुलिसिंग कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ ऐसा दैट्स mm, ये लीडर ऑफ द पुलिस राइट यही पब्लिक का काम यह है पुलिस का काम यह है और मॉरल पुलिसिंग नहीं है अब वो तो पूरी मशीनरी में एकदम से रिवायरिंग हुई है ओके okay. फिर आपके जो जो जो, जो गवर्नमेंट है उन्होंने चाहे चाहते हुए ना चाहते हुए उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है पब्लिक को दिखाने के लिए एटलीस्ट बट hmm. पब्लिक को दिखाने के लिए भी जो चीज़ें होती हैं वो इमेजरी बिल्ड करती हैं स्लोली स्टडी लेने अभी मैं देख रहा था अभी आया हुआ था न्यूज़ के ऊपर रिपोर्ट हो रहा था कि दैट सी सी पी ओ हैज़ करना होता तो पहले दिन कर लेते समय साल बीस साल तीस साल लगाकर सीसीपी ओ बना हुआ है If the public outrage can get him to do this, then I do feel like a uh, shaming does work in, in in certain way. But do you think it'll have a large enough impact to prevent crime? I mean, once again, I think uh, It's an, uh, it's a very un uneducated opinion. Yeah. To be honest, no data back. But uh, I it's think it's an interesting thing to research, but then um, yeah, growing up a lot of a lot of the things that the state didn't teach us a lot of these things. Um उनको तो समझ आती है, mm -hmm. जो नहीं है वो क्यों इतना क्यों इतना कर इस okay. मैं इसको और ज्यादा वो, वो करता हूँ ये इंसिडेंट तो यार खैर बड़ा ब्लैक एंड वाइट है बट सेक्सुअल हरासमेंट होती है उसी की उसी इंसिडेंट के साथ वो समर्दर्स दिस रिमार्केबल स्पोर्ट्स यू नो साइकिलस्ट स्पोर्ट्स शी हैड पुट अप अ वीडियो इस्लामाबाद में ही उसको जो है ना एक बंदा आया और आके हरास uh, करके गया है ओके वेरी वायरल वीडियो उसके नीचे कॉमेंट्स आप पढ़े आपका दिमाग घूम जाता है अगैन जब भी आपका ये कॉमेंट्स और वो वाला आते हैं ना तो मैं हमेशा खोल के देखता हूँ और आप हमेशा देखेंगे कि जो इंग्लिश वाले कॉमेंट्स हैं वो फ़र्क हैं जो उर्दू में लिखे हुए हैं वो फ़र्क हैं हम इन चीज़ों को बार बार इग्नोर करते हैं कि ये डिफरेंट लोग हैं यानी कि हम कहते हैं पूरा पाकिस्तान ऐसा है right. नहीं एजुकेटेड क्लासेस हैं वो डिफरेंट होना शुरू हो गई हैं सर्टेन क्लासेस हैं जिनको कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला सो माई क्वेश्चन इज कि देर इज अ अर्टन क्लास जिसको एक्सपोजर मिला है मेरी फ्रेंडले के ऊपर सब लोग समर को सपोर्ट कर रहे थे बट एक डिफरेंट साइलो है एक डिफरेंट फिल्टर बबल है जहाँ पर प्रॉब्लम किसी यू नो सेकेंड ई सिटी के अंदर लोग हैं जो कि उसको नहीं सपोर्ट कर रहे mm -hmm. अच्छा ये कहना कि आई हैव ग्रोन अप और आई एम जेनेटिकली टेलर टू सपोर्ट वेमेन इन द टाइम ऑफ नीड इज़ नॉट ट्रू हम तमाम इस लोग इसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं हमारा जो ये चेंज आया है किसी वजह से आया है मेरा उसमें ज़्यादा ख्याल है कि हमारा चेंज इस तरह से आया कि हमने गए और हमने कॉन्टेंट कंज्यूम किया और जब हमने कॉन्टेंट कंज्यूम किया तो हमें राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट समझ आया बेस्ड ऑन शेमिंग और right. ये मैंने ग्रोइंग कॉलेज स्कूल एंड कॉलेज ने बहुत ज़्यादा देखा कि देर वज कोल केड अगर कूल cool केड गलत चीज़ों को परपैचुएट करता था तो आप उन चीजों के लिए नॉर्मलाइज हो जाते थे हाँ okay. अगर आपका फ्रेंड आप को, कोई लड़का एक बात करता था और और कूल वाला फ्रेंड जो होता था था ना कहता यार कितनी क्या बात की है और आप एकदम से बैक ऑफ कर जाते थे आपने शायद की भी नहीं होती थी और दोस्त ने की होती थी लेकिन आप बैक ऑफ कर जाते थे और आप अपने दिमाग को रिवायर करते थे कि अच्छा मैंने अब ये हरकत नहीं करनी बिकॉज आई एम गोइंग टू बी बीसिडर एज दैट पर्सन ओपिनियन लीडर्स यस राइट राइट एंड ओपिनियन लीडर्स हमारे घर के अंदर भी होते हैं राइट सो वट योर मदर इज टीचिंग यू वट योर फादर इज टीचिंग यू आपका बेस्ट फ्रेंड वो कजन जिसके साथ आपकी सबसे ज्यादा दोस्त है ये सब लोग क्या कह रहे हैं तो अब वही यू नो जब मैं बाई स्टैंडर्ड के बारे में फिर से बात करता हूँ ना कि आप जनरल पॉपुलेशन को समझा रहे हो कि hmm. उन्होंने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करना है जब आपके ऐसी तो कोई चीज़ हो रही हो, क्योंकि कभी कभी बहुत सेटल होती है hmm. और फिर आपने इंटरफेयर और इंटररप्ट कैसे करना है उस चीज़ को राइट right. uh, Now, once again, I, I think level of shaming would depend on the intensity of the crime as well, mm, right? Obviously, and using um, shame as a tool to somehow reduce crime—that's uh, a very intriguing idea. Uh, it's just, by the way, just to put it out there, it's just an idea. Like, मुझे नहीं पता ये काम I was like, you know, what if something like this happens? Yeah, and and it it does happen, right? I mean, that that is what happens, and I, I think you're absolutely right, actually, about the CCPo incident. shame करने के बाद काफी आई डो नो के एक स्ट्रक्चरल लेवल के ऊपर उसकी वजह से कितना चेंज आएगा आ, एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर कितना चेंज आएगा मुझे नहीं पता बट एटलीस्ट एज फार एज अरेव गोज उसमें आई गेस्ट चेंज आया थिंकिंग इज के यू नो दिस इज जस्ट क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इतना मल्टी फैसटेड है कि आपने इतनी मुख्त चीज़ों को देखना होता है तो एक तरफ से वर्किंग विक्टम सेंट्रिक जो सर्विसज हैं ना वो बहुत जरूरी हैं मिसाल के तौर पर Psychotherapy is is a victim-centric service, right? right? Victims come, and and you you work with them, and you help help them through uh, all of the stuff that they're doing, and then focusing on reducing crime, wo completely different It's 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 entirely different. Because, Pakistan ke or Pakistan bhi bhot bhele loveza, Punjab bhi bhot bhele loveza, Islamabad, Rawalpindi. और उसके इर्द गिर्द है उसके अंदर किस किस्म का क्राइम है क्यों हो रहा है कौन सा क्राइम कहाँ पे ज़्यादा कॉमन है क्या आपके पास प्रोफाइल आती है uh, और फिर आपने एक पर्टिकुलर क्राइम को किस तरह प्रिवेंट करना है या फिर डिक्रीज़ करना है और फिर एक और uh, क्राइम को आपने किस तरह डिक्रीज़ करना है प्रिवेंट करना है वो दो चीज़ें भी बहुत डिफरेंट होंगी सो इसलसो मल्टा फैसटेड एंड देर इज नो ब्लैंकेट सोल्यूशंस एंड एंड दैट आई आई थिंक ज़्यादातर जो हमारी पब्लिक डिबेट्स होती है ना आई हैव अ प्रॉब्लम विद simple answers to very complicated questions. Right. That's my problem. Mm. And uh, for example, uh, I don't have any, a problem with anyone saying, hang the rapist, hang the rapist, because once again, the therapist inside me understands the pain that a lot of them might be experiencing when they see that. But at the same time, uh, a lot of us do need to take responsibility and properly educate <laughs> I understand your sentiment, hang the rapist, but Perhaps incentive there and rapist right. to murder Kernekabi. Or now they're gonna be hanged. Right. That's the problem, right? So my main problem is simple solutions to very large, complex problems. And one thing that I'm 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 gonna say, or you may hear that we need so much more research. So if and who knows, maybe someone hears this and they're interested in this area of research and they end up doing it because God knows we need it. Yeah, like that's that's very true. Like a lot of people are saying, you know. what can i do in my personal capacity if if you're to be very honest i mean i don't think you just need to be a psychologist as well of course yeah ek researcher bahut sare different type ke hote hain log yeah, interviewers yeah, chahiye hote hain aapko aapko uh, wo log chahiye jo reports banaye jo sara kuch kare hum unfortunately outreach tak hi reh jate hain हर चीज़ में आउटरीच तक रह जाते हैं yeah, I think उसकी एक और वजह है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि हम करें क्या फॉर so हैगजाम्पल you know, है, uh, एक ऐसा इंडिविजुअल इन्वायरमेंट uh, uh, वो ऐसी चीज देखता है एंड ही फाइंड परसों प्रोटेस्ट uh, है मैंने प्रोटेस्ट पे जाना है दे डोंट अंडरस्टैंड वट अल्स टू डू राइट डायरेक्शन तो आई थिंक इट्स मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि प्रोटेस्ट के जो uh, कल्चर है वो काफ़ी एक्सेसिबल हो रहा है बहुत लोगों के लिए पाकिस्तान mm -hmm. में mm -hmm. पहले एक बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल प्रोटेस्ट करते yeah. थे एंड आई हैव अ फ्रेंड शिरजील वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो जाता है एंड व्हाट नॉट उससे मेरी इस चीज़ों इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बात होती रहती थी इज़ वेरी एक्टिव इन दिस स्टफ एंड मैं उससे यही बात कर रहा था कि आई रियली लाइक हाउ इट्स बिकमिंग मोर कॉमन इट्स बिकमिंग more acceptable from people of all classes कि आप जाके प्रोटेस्ट में एक साथ खड़े हो so I, I think थिंक एक इंडिविजुअल लेवल पे है रिलेशनल लेवल पे है कलेक्टिव लेवल पे है और सोसाइटी लेवल पे है कि इन चारों लेवल्स के ऊपर हमें कोई ना कोई काम करना है और आप कुछ ना कुछ हर लेवल पे कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल आप अपने भाइयों अपने दोस्तों अपनी बहनों अपनी दोस्तों को किस तरह ट्रीट करते हैं राइट right? hmm. um, अब ये यही आर्ग्यूमेंट होती है ना कि Uh, there's one issue I have with shame. Uh, this is where I think shaming can go a little wrong. Uh, if you're, and right now I'm not talking about rape and sexual crime. I'm talking about um, a regressive mindset, which, for example, you believe that there is mindset that victim-limiting. Victim mindset you change karna hai, you need to have conversations. Right. And you need to give personal incentives. And you need to get people involved and you need to give them good reasons in their own lives for why they need to get involved. I feel like Waha pe, jo, shame karte na, that is what makes their argument a lot stronger. Right. So I I think ke, Waha pe, in that area in particular, I mean, of course, you know, in, in a case like this, shame is deserved. Of yeah. course it's deserved. Yeah. Like merely when I shame, I was state-level shame. Ki baat tha. Okay. Because societal shame, I do understand, ke, aur, aur, a, 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 and I do see that polarization, hai na, प्राइमरली ऑनलाइन वो इस वजह से बिकॉज अगेन जो मैं क्लास की बात करता हूँ या मैं डिफरेंट साइलोज uh, की बात करता हूँ कि हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि अलॉट ऑफ टाइम्स मे बी समन नो समन हुई इज अ विक्टम सो दे फील वेरी स्ट्रॉगली अबाउट इट एंड ऑन द अदर हैंड देर अर समन लिव दर एंटायर लाइफ इन अ वेरी सॉट ऑफ शेल्टर्ड एनवायरमेंट एंड वेर एवरीथिंग इज रोजी दिस पर्सन हैज सीन द अगली इन द वर्ल्ड दैट पर्सन हैज नॉट And when this person starts saying, you know, you are part of the problem, you are yeah. this, you are that, and even and and that person, by the way, the, the, on the other side, probably is very respectful. He's been taught to be respectful. Exactly. Wo yeah. In yeah. Tamam, not in the definitions that you have provided, yeah. But through, let's say, a conservative or who is more religious, then so he will do it. He will do it a different philosophy. But the outcome exactly the और वो कहेगा यार वो वो यू टॉकिंग वट इू टॉक अबाउट लाइक वाई सिंग टू मी राइट वेर एज अगर आप उससे बात करते कहते करता यार तुम्हारा जो ये माइंड सेट है देखो इस दुनिया में ये चीज़ें होती हैं तुम्हारे शायद नहीं हुई mm. शायद हुई भी, भी हूँ तुमने कभी अपनी बहन से बात की है जाकर mm. like, मैंने एक दफा अपनी स्टोरी में डाला था कि नो हम नो हमें <laughs> किसी ना किसी ने कुछ किया है नेक्स्ट स्टोरी डाली मैंने कहाडन ब्रदर्जन

आप पढ़ाएंगे भी नहीं आप पढ़ेंगे भी नहीं और वो एग्जाम में भी नहीं आएगा इट्स सो स्ट्रेंज इट्स अ पार्ट ऑफ द चैप्टर बुक बट इट्स पार्ट ऑफ द करिकुलम कि आपने रिप्रोडक्टिव Uh, चीजों को समझना है। आपने सिस्टम में भी डाल दिया आपको कोई बाहर से आके पूछ रहा है, कोई कर रहा है हमारा बड़ा उसमें तो और फिर इसका इम्पैक्ट क्या होता है यू you नो know, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है बहुत लोगों के साथ हो चुका होगा आई एम श्योर कि आप एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं किसी किस्म के इशू पे लेट्स उन्होंने आपकी सेक्शुअल हिस्ट्री लेनी है जो कि इंपॉर्टेंट होती है हमारी फील्ड में भी होती है हाउ विल्कुल आपकी शादी हुई हुई है क्या हाँ

वर्कर्स you know, ये वो लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में शायद नहीं होना चाहिए यू नीड टूट दिस इन्फॉर्मेशन लेकिन नहीं कर पाते क्योंकि एट क्लास में आपकी बायोलॉजी की किताब में उस चैप्टर को स्कैप कर दिया था और फिर जब आपने उसको पढ़ा अपने बैचलर्स में तब भी उसके बारे में ओपन कॉन्वर्जेशन नहीं हुई वो भी कितने लोगों ने पढ़ाया yeah. वो स्पेशन डिपेंडेंट है तो बीप्स uh, That's a big problem. Uh, education, good touch keata, bad touch keata, this is also very important. But when, when we're talking about pedophilia, child abuse, God knows child abuse. So uh, once again this stuff is so much life -faceted. I'm gonna end up going all over the place, but you get my point. Yeah, yeah, I understand. Yeah. Um but I think that that's uh, it's an hour long, over over an hour long conversation. Oh. Uh, uh, and so I think we're gonna we're gonna touch on this again. But thank you so much for for, you know, being here. Thank you and for having me. Yeah, and we're gonna have you next week, inshallah. And uh, this was episode two of Thought Behind Things. Thank you so much for watching or listening, whichever platform you're on. My name is Sagan and I'll see you in the next one.